आइए जियो से स्टार्ट करते हैं। जियो से मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जीओसी। तो जीओसी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जीओसी में पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जीओसी में हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? देखो, जीओसी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर आपको रिएक्शन समझना है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपको रिएक्शन समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए? जीओसी। क्या आना चाहिए? अगर आपको जीओसी आएगा तो आपको क्या आएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या आएगा आपको? रिएक्शन। और रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा तो आपको रिएक्शन आएगा। क्या आएगा आपको? देखो यहाँ से, सबसे पहले आपका जीओसी स्टार्ट होता है कॉन्जुगेशन से। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अगर बात करते कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डिसलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होगा, उस शिफ्टिंग को अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन। तो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो सकता है? पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि देखो भाई, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अगर दो एटम है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, और दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई। अब देखो, अगर मैं यहां से सिग्मा को डीलोकलाइज करूं तो बॉन्ड ही ब्रेक हो गया। समझ आ रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया मतलब बॉन्ड ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक मतलब मॉलिक्यूल खत्म। तो फिर कोई मतलब है क्या उस चीज का? और अगर यहां पे मैं पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करूं, किसको डीलोकलाइज करूं? इधर या इधर कहीं पे भी हो, तो फिर एक बॉन्ड तो है ना। तो बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड के ब्रेक होने से मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो क्या शिफ्ट हो सकता है? पाई बॉन्ड। क्या शिफ्ट हो सकता है? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको अपन? कॉन्जुगेशन। क्यों करते हैं? टू अचीव स्टेबिलिटी। क्या करते हैं अपन? स्टेबिलिटी को अचीव। क्यों पढ़ रहे जीओसी? जीओसी में पढ़ेंगे क्या और क्यों पढ़ रहे? पूरे जीओसी में मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनेगा पर प्रोडक्ट में नहीं आएगा। किसमें नहीं आएगा? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो ड्यूरिंग द रिएक्शन तो फॉर्म हो रहा है बट प्रोडक्ट में अपीयर नहीं करेगा। क्या कहलाएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और हम डिसाइड करेंगे उसकी स्टेबिलिटी। क्या डिसाइड करेंगे? और उसके बेसिस पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? तो पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करेंगे, स्टेबिलिटी। क्या डिसाइड करेंगे? और स्टेबिलिटी डिसाइड करने से आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन क्यों करेगा? टू बिकम स्टेबल। टू बिकम कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक से, सारी चीज़ें बेसिक बताते जाऊंगा। आप पुरानी चीज़ें पढ़ के आएंगे तब आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इससे पहले ऐसा था, जो भी फिजिकल विजिकल पढ़ाता था ऐसा था कि एक टॉपिक पढ़ाया, नहीं आए, दूसरे में आ गए, समझ में आ गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पुरानी चीज़ें याद होंगी तो आगे की चीज़ें समझ में आएगी। और सबसे ज़्यादा काम की बात, अगर जीओसी नहीं आएगा तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा। पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म किस पे बेस्ड है? और जीओसी नहीं आएगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा। पूरे केमिस्ट्री में सबसे टफ क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब बेसिक सब कुछ कौन? समझ गए? तो जीओसी समझ में कब आएगा? जब
जो आज मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में आने से पहले उसको आपको पढ़ के आना पड़ेगा। अब तक मैंने कभी ये नहीं बोला कि भैया पढ़ के आओ पढ़ के आओ पढ़ के आओ, पर हर दिन जब आऊँगा तो बताऊँगा पढ़ के आना है। तो जब तक आप पुराना रिवाइज करके नहीं आएंगे आपको आगे में दिक्कत जाएगी, समझ गए? आ जाओ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेशन की बात। तो कॉन्जुगेशन मतलब क्या? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्या मिलता है इससे थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्जुगेशन करने से आपको क्या मिलेगा, ठीक। तो भैया कॉन्जुगेशन से आपको मिलेगा स्टेबिलिटी, क्या देता है ये? तो कॉन्जुगेशन आपको देगा स्टेबिलिटी, क्या देगा आपको कॉन्जुगेशन? स्टेबिलिटी, ठीक। किसके साथ होगा? ओनली विथ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड का कोई काम? तो कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का कोई काम नहीं है, सो नो रिलेशन विद सिग्मा बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन का सिग्मा बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, कोई काम का नहीं सिग्मा बॉन्ड, ठीक। हमारे कॉन्जुगेशन के लिए आपके एटम्स होने चाहिए प्लेनर, कैसे होने चाहिए? एटम शुड बी प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? एक ही प्लेन पे। फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और कोई उस इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है और मुझे उसको देना नहीं, मुझे उसको, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कोई है जो मेरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है और मुझे उसको देना नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैंने इसको पकड़ा दिया इलेक्ट्रॉन कि भाई तू रख ले, आया चेक किया मुझे नहीं मिला, मैंने किसको शिफ्ट कर दिया? इसको, इसने उसको शिफ्ट कर दिया, उसने उसको उसको, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन पूरे बच्चों में सर्कुलेट हो गया, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब वो आ गया, आकर के मेरे पास इलेक्ट्रॉन लेना था, मेरे को ढूंढा नहीं मिला, फिर अगर शक भी गया बच्चों पे तो इतने सारे बच्चे बैठे तो चेक करते बनेगा कि हर किसी बच्चे को चेक कर लूँ? नहीं पॉसिबल है, आ रहा है समझ में? तो उसको इलेक्ट्रॉन मिला क्या? नहीं। फिर बाद में जिसके पास भी था मैंने वापस ले लिया, क्या बन गया मैं? स्टेबल, आ रहा है समझ में? तो एक बात बताओ, कोई कोई बाहर आ गया, अचानक से कोई आ गया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, मुझे दिख गया वो आ गया, तो अचानक से मैंने चुपचाप से इलेक्ट्रॉन यहाँ पास कर दिया इसको, जो उसको पास कर दिया तो ये घुमा लिया, हाँ या ना? समझ आ रहा है कि क्या कह रहा हूँ? अब इसका यहाँ पे पूरे पूरे इस फ्लोर में मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है, बाकी बच्चे ऊपर बैठे नीचे बैठे, तो कोई आ गया इलेक्ट्रॉन लेने, तो पॉसिबल है कि मैं ऊपर वाले फ्लोर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दूँ या नीचे वाले फ्लोर में जो बच्चे उनको ट्रांसफ़र करूँ? पॉसिबल है क्या? किसको पॉसिबल है? जो इसी फ्लोर पर है, मतलब इसी प्लेन पर, समझ आ रहा है? तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तभी हो सकता है जब दोनों कैसे हो, एक ही प्लेन पर। तो एटम शुड बी प्लेनर, एटम शुड बी, कोई दिक्कत किसी को? और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, कैसे होने चाहिए? पैरेलल मतलब समझते हो? तो पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, पैरेलल मतलब आजू बाजू, मेरे पैरेलल मतलब क्या? जो मेरे पैरेलल मतलब मेरे बाजू में होगा, समझ आ रहा है? तो किसको ट्रांसफ़र कर सकते हो? जो मेरे बाजू है कि जो उधर कहीं बैठा हुआ है या कहीं उधर बैठा है, जो मेरे बाजू है। तो पी ऑर्बिटल, मुझे, मैं एक एटम, मेरे बाजू में एक एटम, हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे हो पाएगा? मेरा ऑर्बिटल उसका ऑर्बिटल कैसे? आजू बाजू, ले भाई रख ले, समझ गए? तो पी ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, आजू बाजू मतलब पैरेलल, समझ गए? जनरली सो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल, तो आपका लोन पेयर और पाई बॉन्ड कैसे है? इंटर कन्वर्टिबल मतलब कन्वर्ट हो सकते हैं। लोन पेयर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? पाई बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? लोन पेयर में। और एक बात बताओ, मैंने जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया आपको, तो मैं अपनी जगह से मूव किया क्या?
अब वो आ रहा है जैसे ही, ठीक है आ रहा है, मुझे देखा यहाँ पे खड़ा हूँ, अचानक से उसकी नज़र इधर गई और मैंने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, तो उसको क्या दिखा फिर कि मैं यहीं पे हूँ। अब अगर वो आ रहा है और मैं उसको देख के उधर चले जाऊँ तो क्या समझ जाएगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन कहीं पर छुपाया, हाँ या ना? समझ आ रहा है कि क्या कह रहा हूँ, यस और नो? तो अगर अगर मैं मूव करूँ तो उसको डाउट हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है मैं मूव कर सकता अगर मैं फ्री हूँ। अब हम सब जॉइंट हैं, सबको सबको रोप से टाई करके रखा है मान लो, तो मैं अपनी जगह से मूव कर सकता हूँ क्या? तो जब एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड की वजह से जुड़ गया ना, तो मूव कर सकते हैं इधर उधर, पॉसिबल है क्या उसके लिए? तो जब किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम है तो उसका पोजीशन क्या है? फिक्स। एटम मूव नहीं करेगा, सिर्फ क्या मूव करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन। एटम मूव नहीं करेगा, सिर्फ क्या मूव करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो कॉन्जुगेशन में आपका पोजिशन ऑफ एटम हमेशा क्या होगा? पोजिशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। तो कभी भी कॉन्जुगेशन में आपके एटम का पोजिशन चेंज नहीं होगा। एक बार फिर से, कॉन्जुगेशन मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा डीलोकलाइज हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब क्यों करते हैं अपन, क्यों करते हैं डीलोकलाइजेशन मतलब कॉन्जुगेशन क्यों करेंगे? क्या देगा? स्टेबिलिटी। क्यों देगा समझ में आ रहा है ना? कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है, मैंने शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन, ले नहीं पाया, तो मैं स्टेबल हो गया ना? अगर ले लेता तो स्टेबल नहीं रहता, इम्पार्ट स्टेबिलिटी। और कौन पार्ट, कौन कौन कर सकता है कॉन्जुगेशन? पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर। क्यों कर सकता है? क्योंकि दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है और पाई बॉन्ड लोन पेयर में। कोई तकलीफ किसी को? ओके, कोई लेना देना है क्या किसके साथ? सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई लेना देना? सिग्मा बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, तो नो रिलेशन विद सिग्मा बॉन्ड। जिन एटम्स के बीच में, जिन एटम के बीच में आपका कॉन्जुगेशन होगा, वो एटम एक ही प्लेन पर होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, ठीक है? और जिन एटम के बीच में कॉन्जुगेशन होगा उनके ऑर्बिटल्स आजू बाजू होने चाहिए, आजू बाजू मतलब पैरेलल, कोई दिक्कत? लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें कॉन्जुगेशन में जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो एटम का पोजीशन चेंज से पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। समझ गया मैं क्या बोला? एक जैसे दूसरी जगह, कोई दिक्कत? रूल छाप लो, छाप लिए, जल्दी छापो भाई। फिर ओके डन। देखो कॉन्जुगेशन के टोटल 6 केसेस, कितने केसेस? तो पहले अपन देखेंगे कौन कौन से केसेस है, कैसे कैसे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो टोटल 6 तरीके से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। कितने तरीके से? 6। तो पहले देख लेंगे कितने तरीके हैं कॉन्जुगेशन के, और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल, सेकेंड पार्ट। तो पहले तो फिलहाल सीख लेते हैं कॉन्जुगेशन के टाइप्स, क्या सीख लेते हैं? तो लिख लो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में, पहला केस ए, पहला केस मतलब कहाँ कहाँ कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो उसका पहला केस, पहला केस है आपका डबल सिंगल पॉजिटिव। क्या है पहला केस? डबल सिंगल पॉजिटिव, और इसका मतलब है डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल, पॉजिटिव मतलब खाली ऑर्बिटल। तो कॉन्जुगेशन के 2 केसेस, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब खाली ऑर्बिटल, या डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद एक खाली ऑर्बिटल, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव और खाली ऑर्बिटल दोनों सेम, कोई दिक्कत? इसमें होगा कॉन्जुगेशन। कैसे करेंगे समझ लो। तो एक रूल है सिंपल, सब में लगता चलेगा, ठीक है? सबसे पहले डू द नंबरिंग फ्रॉम चार्ज। कहाँ से नंबरिंग करना है? चार्ज से नंबरिंग करोगे। उसके बाद आप पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करोगे, शिफ्ट पॉजिटिव टू थर्ड पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज को कहाँ शिफ्ट कर दोगे? तीसरे पोजीशन पे। और
डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दोगे पहले पोजीशन पे, ये आपका पहला केस डबल सिंगल पॉजिटिव या डबल सिंगल खाली डब्बा, ठीक है, खाली ऑर्बिटल। तो ये पहला केस आ गया, और केस में अगर आपको कॉन्जुगेशन करना है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एक से लेके तीन तक की नंबरिंग होगी। कहाँ तक होगी? एक से लेके तीन तक, पॉजिटिव से लेके डबल बॉन्ड तक नंबरिंग करेंगे। तो पॉजिटिव डबल, सॉरी पॉजिटिव सिंगल डबल, ऐसा आएगा। तो कॉन्जुगेशन क्या है? डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव से नंबरिंग करेंगे, तीन तक जाएंगे। फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपका पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट होगा? तीन पे, और डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा? फर्स्ट पे। क्या बोल रहे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, देखो ये बोलना चाह रहे अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले किसी भी, ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, किसी भी मॉलिक्यूल को देख करके आपको पता करना है कॉन्जुगेशन है कि नहीं। तो फिलहाल तो मुझे एक ही केस पता है, डबल सिंगल पॉजिटिव है क्या? आओ देखते हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन होगा। तो अब कॉन्जुगेशन कर लो, कॉन्जुगेशन मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होगा तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कौन किधर जाएगा? ये शिफ्टिंग का रूल, सबसे पहले नंबरिंग करने का, किधर से? तो एक दो तीन, तीन तक डबल बॉन्ड तक, पॉजिटिव से डबल बॉन्ड तक कर लिए नंबरिंग बेटा, ठीक। मॉलिक्यूल को रीड्रॉ कर लो, क्या कर लो मॉलिक्यूल को? रीड्रॉ, ऐसे ही ना, सेम ड्रॉ कर लिया। अब रूल लगा रहा हूँ, पॉजिटिव सबसे पहले एक से किधर जाएगा बेटा? ये आ गया तीन पे, कोई तकलीफ? और डबल बॉन्ड टू और थ्री के बीच में है, तो टू थ्री में कंसिडर करते छोटे को, मतलब टू पे है। कहाँ पर है डबल बॉन्ड? टू पे। शिफ्ट कहाँ होगा? ये लो डबल बॉन्ड हटाया, मतलब इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ये है। समझ गया बेटा? तो कॉन्जुगेशन एक बार हुआ है यहाँ पे, मल्टीपल टाइम भी हो सकता है। आगे अगर और केसेस आते, डबल सिंगल पॉजिटिव फिर होता, फिर केस आता डबल सिंगल पॉजिटिव फिर होता, जब तक डबल सिंगल पॉजिटिव आता जाएगा कॉन्जुगेशन होता रहेगा। जितने ज़्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। कैसे? मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन लेने आया, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इसको ट्रांसफ़र किया, सिर्फ इसके पास है, ये आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, कोई भी कारण कोई और नहीं है। वो आया मुझे चेक किया, उसको डाउट गया मेरे ऊपर, बाजू वाले चेक किया, पकड़ा जाऊंगा हाँ या ना? और उसने इलेक्ट्रॉन को लिया और लेने के बाद पूरे क्लासरूम में घुमा दिया। अब जो चेक करने आएगा वो मुझे चेक करेगा, इसको चेक करेगा, कितने लोग को चेक करेगा? सबको चेक करना पॉसिबल है क्या? और पता चला चेक करते करते जब तक पहुंचा तब तक फिर से घूम के उसी के पास आ गया। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जितने ज़्यादा कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की उतनी ज़्यादा। फिलहाल कितना कॉन्जुगेशन किया? एक बार। कितने बार? कोई दिक्कत? क्वेश्चन दूंगा, 1 2 3 करना है, पॉजिटिव को एक से तीन में फेंकना है, और डबल को दो से एक में। हो गया कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पहला। फिर उसके बाद फिर चेक करो क्या डबल सिंगल पॉजिटिव है, अगर है तो आगे वापस नहीं आना। कैसे? यहाँ से शिफ्ट किया, अब तुम बोलोगे सर फिर से पॉसिबल है। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव जैसे करूँगा यह आ जाएगा वापस। तो वापस बना के कोई मतलब नहीं ना, अपन देखना चाह रहे कितने कॉन्जुगेशन है, कहाँ कहाँ जा सकता है। तो मैंने इसको दिया, इसने मुझे दिया, सर देखो खेल रहे अपन, एक बार मैं उसको दे रहा, एक बार मुझे दे रहा है, ये अपने काम का है क्या? मुझे जानना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा सकता है। तो रिपीट नहीं करना, क्या नहीं करना, आगे जाए नया नया बनते जाए करते जाओ, जहाँ पे रिपीट आएगा वहाँ पे रोक देना। समझ गए हाँ या ना? फिर एक मॉलिक्यूल के एक दो चार छः कितने भी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने बना सकते हैं। एक बार कॉन्जुगेशन सीख लेंगे, करना सीख लेंगे, स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे। फिर उसके बाद अगला चीज़ क्या सिखाऊंगा, जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किया, यहाँ से ये इधर गया, वहाँ से उधर गया, उधर चार लोगों में ट्रांसफ़र हो सकता था। मेरा इलेक्ट्रॉन कितने लोग में ट्रांसफ़र हो सकता था? चार। चार लोग को ट्रांसफ़र किया, चार लोग को ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने पता किया चारों में से कौन ज़्यादा सेफ है, किसके पास मेरा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा सेफ है। आ रहा समझ में? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो
इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है, मुझे खबर मिल गया कि भैया इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, जो भी पैसा उठा करके अपने आस पड़ोस में जो पहचान वाला उसके यहाँ रखूंगा कि किसी के यहाँ भी रख दूंगा, अपने पहचान वाले पे रखूंगा तो वो वापस मिलेगा, किसी को भी दे दूंगा तो इनकम टैक्स वाले क्या ले जाएंगे, वो पहले लेके चल देगा, हैं, यस और नो। तो क्या हुआ समझो, अब मेरे चार ठिकाने पैसे छुपाने के, तो इनकम टैक्स की रेट पड़ी, मैंने पैसे छुपाए एक एक बार करके हर जगह रख के देख लिया, फिर फाइनली मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेफ है, एक जगह पे सेफ है, यहाँ कभी कोई आ नहीं सकता, हाँ या ना। तो जब भी कुछ होगा कहाँ छुपाऊँगा, उसी जगह पे, हाँ या ना। और अगर इनकम टैक्स वाले को डाउट है कि हाँ इसके पास पैसे है चेक कर लो, तो वो कभी ना कभी पता कर लेंगे, नहीं कर पाए अच्छी बात है, पर कर लेंगे तो मिलेगा किधर से, मेरे सबसे सेफ ठिकाने से, कि कहीं से भी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा कॉन्जुगेशन करके देखेगा, पर उसके बाद अपने चार्ज को, जो भी चार्ज है उसको उसी जगह पे रखेगा जो सबसे क्या होगा, स्टेबल। और भैया कभी ना कभी तो पकड़ाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि कभी ना कभी पकड़ाए नहीं, तो अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो आकर के उसी जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा क्या था, स्टेबल। जैसे मैंने बताया चार ठिकाने, चार ठिकानों में से सबसे ज़्यादा सेफ जो मुझे लगेगा, कभी भी पकड़ाऊंगा तो पैसे वही से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वही से। तो एक मॉलिक्यूल चार जगह पे कॉन्जुगेशन कर सकता है, चार एटम पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, तो भैया जब भी अटैकिंग रिएजेंट उसको पकड़ेगा, कहाँ पकड़ेगा, चारों में से कहीं पे भी, आज इधर पकड़ रहा है कल उधर परसों इधर, नहीं ना, कहाँ पकड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, तो उसमें अटैकिंग रिएजेंट कहाँ अटैच होगा वो डिसाइड करेगा आपका मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा अटैकिंग रिएजेंट को वो वही मिलेगा। समझ गए बेटा, यस और नो? तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत काम आएगा। तो फिलहाल तो पहला केस पे है अपन, पहला केस पढ़ते हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव, मैंने एक बना के दे दिया आपको, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक बने तो एक बनाओगे, दो बने तो दो, और जितने बने उतने बनाओगे, समझ गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए सर पांच बन रहे पर मैं एक बना के थक गया हूँ, बाकी के चार आप देख लो करके, ना, फिर मैं आऊँगा देखने के लिए, किसके साथ, पीवीसी पाइप के साथ, ठीक, ओके, चलो यहाँ तक छाप लिए क्या अपन, आओ फिर लग जाओ काम पे, भिड़ जाओ बेटा, ठीक है, कर लेंगे अपन, आइए बनाइए जल्दी फटाफट, यहाँ से और देखते हैं, नंबरिंग कर ले, 1 2 3, यस और नो, कोई दिक्कत किसी को, तो नंबरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इससे, हाँ या ना, आओ देखते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर लिए, उसके बाद वन कहाँ पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट होगा, वन से थ्री पे आ गया पॉजिटिव, डबल कहाँ शिफ्ट होगा, टू से कहाँ पे, हाँ या ना, ओके, तो डबल बॉन्ड टू से कहाँ पे शिफ्ट होगा, वन पे, यही बनेगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक, इसमें देख लो,
आ जाओ, नंबरिंग कर लेंगे क्या? यस और नो? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3, तो ये 1 2 3, कोई दिक्कत किसी को? पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट होगा? 1 से 3 पे, हाँ या ना? तो पॉजिटिव शिफ्ट हो गया 1 से 3 पे। डबल किधर शिफ्ट होगा? 2 से 1 पे, हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? क्लियर है सभी को? पहला कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्या फर्दर शिफ्टिंग हो सकती है? हो सकती है, नंबरिंग कर लो। 1 2 3, क्यों रे, समझ में आ रहा है? डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल कर दी नंबरिंग। चलिए बना लेते फिर। तो यहां से अब पॉजिटिव कहां शिफ्ट होगा? 1 से 3 पे, और डबल कहां पे आएगा? हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? कितने कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2। कितने लोग बनाए थे? 2। ठीक, आ जाओ यहां से नंबरिंग कर लेंगे क्या? ठीक, नंबरिंग कर लेते बेटा। क्या कर लेते हैं? नंबरिंग, आ जाओ पहले। 1 2 3, हाँ या ना? पॉजिटिव 1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? तो पॉजिटिव 3 पे, पॉजिटिव 3 पे, और डबल 1 पे, हाँ या ना? फिर से कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल, फिर से कॉन्जुगेशन है, तो 1 2 3 कहाँ शिफ्ट होगा? डबल पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट होगा? 1 से, हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? तो पॉजिटिव 1 से लिख देता हूँ, 1 2 3, पॉजिटिव 1 से कहाँ शिफ्ट हो रहा है? 3 पे, आ गया 3 पे। डबल 2 से कहाँ पे आएगा? क्या बोल रहा, समझ आ रहा है सबको? आया समझ में, हाँ या ना? तो यहां से पॉजिटिव से नंबरिंग किया, 1 2 3, पॉजिटिव से नंबरिंग किया, 1 2 3, पॉजिटिव को 1 से कहाँ शिफ्ट किया? 3 पे, कहाँ पे शिफ्ट किया? और डबल को 2 से कहाँ पे शिफ्ट किया? 1 पे, 1 पे आ गया ना? फिर पॉजिटिव मतलब डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर से कॉन्जुगेशन है, तो 1 2 3, पॉजिटिव को 1 से कहाँ शिफ्ट किया? 3 पे, और डबल को शिफ्ट किया कहाँ? 1 पे, हाँ या ना? ये आपका हो गया कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 2। कितने लोग बनाए थे? आ जाओ अगला वाला। ठीक है, आ जाओ, चलो नंबरिंग करते पहले। क्या करते हैं? ये 1, ये 2, ये 3, डबल सिंगल पॉजिटिव, हाँ या ना? तो 1 2 3, क्या करना है बेटा? पॉजिटिव हटाना है, किस पे लगाना है? थर्ड पे। तो पॉजिटिव हटाया, कहाँ लगाया? थर्ड पे। और डबल हटाया, कहाँ लगाया? कोई तकलीफ किसी को? हो गया पहला, जल्दी बोलो। ठीक, क्या क्या फर्दर पॉसिबल है? पुराने नंबरिंग को हटा दो, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगा आपको। किसको हटा दो? पुराने नंबरिंग को हटा दो, नहीं तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक, तो पुराना नंबरिंग हटा देते हैं। अब देखते हैं, ये लो पुराना नंबरिंग हटा दिए। अब पॉजिटिव कहां पर है? यहां पर, हाँ या ना? ये आपका पॉजिटिव, फिर से देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव है, डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, करते कॉन्जुगेशन, फिर से करेंगे नंबरिंग। 1 2 3, किधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव को? 1 से, हाँ या ना? ठीक, तो पॉजिटिव यहां से किधर शिफ्ट हो गया? ये लो पॉजिटिव आ गया 3 पे, हाँ या ना? जल्दी बोलो बेटा,
पॉजिटिव तीन पे, और डबल कहाँ पर आएगा? वन पर। कोई दिक्कत? फिर से डबल सिंगल पॉजिटिव पॉसिबल है? फिर से कॉन्जुगेशन होगा तो उसके लिए नंबर को क्या कर देते हैं? डिलीट क्या दे कर देते हैं? नंबर को हटा दो नंबरिंग। अब फिर से एक और स्ट्रक्चर बनेगा, यस और नो? चलिए नंबरिंग करते बेटा। नंबरिंग क्या होगा? वन टू थ्री। पॉजिटिव किधर जाएगा बेटा? पॉजिटिव किधर जाएगा? थ्री पे पॉजिटिव आ जाएगा। भेजो पॉजिटिव को थ्री पे, ये थ्री पे पॉजिटिव। ठीक, डबल कहाँ चल जाएगा? वन पे। ये डबल हाँ या ना? वन से भी पॉजिटिव हट गया। कोई दिक्कत किसी को? फर्दर कॉन्जुगेशन है क्या? डबल सिंगल पॉजिटिव सेम। चलो ठीक है, देखते सेम हो रहा है कि अलग। नंबरिंग फिलहाल हटा देता हूँ, चुप रहो। नंबरिंग हटा लेते हैं बेटा, यस और नो? नया नंबरिंग करते हैं, एक दो तीन, हाँ या ना? चलो बनाते हैं। आओ बच्चों, पॉजिटिव एक से कहाँ चला जाएगा? हटाओ पॉजिटिव को, एक से कहाँ भेजो? तीन पे, हाँ या ना? पॉजिटिव एक से तीन पे। और डबल बॉन्ड किधर बेटा? डबल बॉन्ड टू से किधर? वन पे, हाँ या ना? ठीक, तो भेज देते हैं वन पे। अब यहाँ देखो, पहले और आखिरी वाले का सेम है क्या स्ट्रक्चर? डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो ये हमने पहला केस देखा, डबल सिंगल पॉजिटिव। इसके अलावा कितने भी क्वेश्चन आएंगे, कॉन्जुगेशन कर सकते क्या अपन? हाँ या ना? ठीक, चलिए आगे नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट फेज देखे, केस बी क्या देख लेते हैं। केस बी आपका, केस बी है डबल सिंगल नेगेटिव या डबल सिंगल भरा ऑर्बिटल। नेगेटिव मतलब भरा ऑर्बिटल, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मतलब खाली ऑर्बिटल। शिफ्टिंग का रूल सब कुछ एज इट इज, जैसे पहले पढ़ चुके, ठीक है? तो सारी चीजें एज इट इज क्या करना पड़ेगा? डू द नंबरिंग फ्रॉम चार्ज। चार्ज से नंबरिंग करो बेटा। उसके बाद किसको शिफ्ट करना? नेगेटिव को, सेम वही शिफ्टिंग। शिफ्ट नेगेटिव टू कौन सा पोजिशन? शिफ्ट नेगेटिव टू थर्ड पोजिशन, यस और नो? देन शिफ्ट डबल बॉन्ड टू फर्स्ट पोजिशन, तो शिफ्ट डू नंबरिंग फ्रॉम द चार्ज। कहाँ से करना नंबरिंग? चार्ज से। फिर शिफ्ट करना है नेगेटिव को कहाँ पे? थर्ड पोजिशन पे। और फिर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है कहाँ पे? फर्स्ट पोजिशन पे। कर लेंगे सेम चीज, सिर्फ पॉजिटिव की जगह पे कौन आ रहा है और बाकी सब एज इट इज़ है, और बाकी सब एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है क्या सबको? सभी को आ जाओ, ठीक? ओके, तो क्वेश्चंस कर ले डायरेक्ट, एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को, फिर आप लोग बनाओगे। क्या कॉन्जुगेशन है? क्या कॉन्जुगेशन? डबल सिंगल नेगेटिव। कौन सा कॉन्जुगेशन? हाँ या ना? तो जब डबल सिंगल नेगेटिव है तो लगा लो कॉन्जुगेशन। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से? चार से, हाँ या ना? वन टू
थ्री, कोई तकलीफ किसी को, फिर किसको किधर शिफ्ट करना है, नेगेटिव को, लो भाई नेगेटिव को उठा के थर्ड में शिफ्ट मार लिए, ये आ गया नेगेटिव, और डबल बॉन्ड को शिफ्ट मार लिए किस पे, फर्स्ट पे। फर्दर कॉन्जुगेशन करना होता तो इस नंबर को हटा लेते हैं, एक बार शिफ्ट कर लोगे तो नंबर क्या कर लोगे बेटा, हटा लोगे, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा आगे आपको। फिलहाल तो हटाओ नहीं हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, पर एक से ज़्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को हटा लोगे नहीं तो आगे डिस्टर्ब करेगा। समझ गए सभी लोग, यस और नो, कोई दिक्कत? सेम वही उसी टाइप के क्वेश्चन दूंगा, बना लेंगे अपन, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो ये सब, छाप रहे क्या अपन, छाप रहे कि छाप लिए है, वेरी गुड। देखो भाई जीवन में कुछ आए ना आए, छापते आना चाहिए, समझे कि नहीं एंटी लोग? जो क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हो तो उसको मान लो कि तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुमसे नहीं बन पाएगा, तभी नहीं लिख पाऊँ, तुमसे ना हो पाएगा। गुड, कौन सा एक बार दिखा दूंगा तो तुमसे हो पाएगा, चुप रहो आंटी। चलो देखते हैं कितना हो पाता है, आ जाओ चेक कर लेते हैं। नंबरिंग कर ले, तो वन टू थ्री, यस और नो? क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव को कहाँ शिफ्ट करेंगे और डबल बॉन्ड को, यस और नो? कोई दिक्कत किसी को, और शिफ्ट कर लो इसको, नंबरिंग को हटा लो, नया नंबरिंग लिखना है, क्या लिखना है, फर्दर होगा क्या? यस, वन टू थ्री, यस और नो? आ जाओ, नेगेटिव नहीं लगाया क्या, चलो लगा देते हैं, तो नेगेटिव की जगह पे वन लग गया है क्या, ए लो नेगेटिव, क्या ये हाँ या ना? फिर से आपका नेगेटिव कहाँ शिफ्ट होगा, एक से तीन पे, तो नेगेटिव शिफ्ट हो गया तीन पे, और डबल कहाँ शिफ्ट होगा, डबल वन पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल को वन पे शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे बनाए थे क्या अपन ने? yes, सभी लोग yes, यहां से नंबरिंग कर ले, yes, आ जाओ नंबरिंग करते हैं, तो वन टू थ्री, यस और नो? क्या शिफ्ट होगा, नेगेटिव, नेगेटिव शिफ्ट होगा वन से कहाँ पे, थर्ड पे नेगेटिव आ गया, और आपका डबल कहाँ पे शिफ्ट होगा, फर्स्ट पे डबल आ गया, कोई तकलीफ किसी को, हाँ या ना?
व्हाइट से कर लेते हैं, या क्या डबल? ठीक है, फर्दर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? यस फर्दर पॉसिबल है, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 ऐसे होगा नंबरिंग, यस और नो? चलो फिर शिफ्ट कर ले, क्या शिफ्ट होगा? नेगेटिव 1 से कहाँ पे आएगा? थर्ड पे। नंबरिंग हटा ले, नंबरिंग हटा देते बेटा, तो नेगेटिव 1 से कहाँ पे आएगा? 3 पे, यस और नो? तो नेगेटिव आपका 3 पे आ गया बेटा। और डबल कहाँ पे आ जाएगा बेटा? डबल यहाँ से हट के 1 पे आ जाएगा। ठीक, फर्दर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, करो नंबरिंग 1 2 3। ठीक, क्या बन जाएगा यहाँ से? फिर आपका नेगेटिव शिफ्ट होगा कहाँ? 1 से 3 पे, नंबरिंग हटा देते हैं। तो 1 से 3 पे आ गया कौन? नेगेटिव, यस और नो? क्या आ गया 1 से 3 पे? नेगेटिव। ये आ गया 3 पे नेगेटिव। और डबल कहाँ आएगा? डबल यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा? हाँ या ना? फर्दर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? बिल्कुल। तो 1 2 3 क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको? लास्ट कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से किसको हटा लेते हैं? नंबरिंग हटा लो, डबल हटा लो, क्या हटा लो? डबल एंड माइनस हटा लो। किसको कहाँ भेजे? तो नेगेटिव 1 से कहाँ पे आ जाएगा? थर्ड पे। और यहाँ से डबल कहाँ जाएगा? 1 पे। ऐसे बनेगा, ये भी सेम ऐसे बनेगा। ठीक है, तो NH2 आ जाएगा इसकी जगह पे, कर देता हूँ फिर भी। नंबरिंग करे, आओ 1 2 3 डबल सिंगल लोन पेयर, क्या जाएगा? डबल सिंगल, यस और नो? ऊपर वाले को कॉपी कर देता हूँ ना, सही बोल रहे तो फिर नाइट्रोजन लगा दूँ? छोड़ो, हाँ दैट ऑल्सो वी कैन डू, चलो वही करते हैं। आ जाओ, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी का यूज। कैंटी कुछ बोल रही है क्या? तुम चाहिए कुछ तुमको? अभी आ रहा हूँ मैं PVC लेके। क्या हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे? CH2 की जगह पे क्या जाएगा? NH2, यस और नो? चुप रहो आंटी, NH2। हाँ कि ना, जल्दी बोलो भाई। कोई दिक्कत किसी को? क्या आएगा बेटा? देखो, हाँ एक ही बात है, लोन पे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसको भी कर लेते हैं, आओ नंबरिंग कर लें। 1 2 3 यस और नो? ठीक है, आ जाओ, नंबरिंग हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? नंबरिंग हटा दिया। नेगेटिव किधर जाएगा? 1 से किधर? थर्ड पे, यस और नो? ये थर्ड पे आ गया। और डबल किस पे आ गया? 1 पे, ये आ गया। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद फिर से होगा, हाँ नंबरिंग करो 1 2 3। कोई दिक्कत किसी को? एक और स्ट्रक्चर बनेगा ना, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? एक और बना लो, एक और। ठीक, क्या जाएगा बेटा? नेगेटिव कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा? 1 से 3 पे। और डबल, चलो शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से
नेगेटिव वन से कहाँ पे आ रहा है? थ्री पे, ये थ्री पे, और डबल टू से कहाँ पे आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ठीक, हाँ क्या आंटी? अच्छा वो लोन पेयर का बोल रहे हो। देखो क्या होता है, डबल सिंगल लोन पेयर जब शिफ्ट होता है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? तो पूरे पे चाहो तो तुम ऐसे एक पॉजिटिव लगाओ, देखो कैसे, ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत? फिर डबल सिंगल जो भी तुम करोगे यहाँ से, डबल सिंगल नेगेटिव, तो ये जब शिफ्ट होगा तो इस पर क्या आएगा? एक माइनस, हाँ या ना? तो माइनस जब आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अब आपके लोन पेयर में ऐसे। अब ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब ऐसे ठीक है, ओके। तो डबल सिंगल लोन पेयर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाएगा, सब पे पॉजिटिव लिख के रखा हूँ। फिर जब डबल सिंगल नेगेटिव करोगे तो जब नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल, पर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तब लोन पेयर आएगा। समझे? हाँ या ना? ठीक, इसमें आओ, इसमें कितने बनाए हुए? कि तीन। ठीक, यहाँ से कहाँ से होगा आंटी? किधर? डबल सिंगल नेगेटिव इधर करूँ क्या वापस? तो ये नहीं बन जाएगा, आगे पॉसिबल नहीं है। यस और नो? यहाँ से नेगेटिव हटा दें, नंबर हटा दें। ठीक, तो नंबरिंग हटा दो, तो डबल भी हटा दो एक बार में। अब आ जाओ, वन नेगेटिव किस पे आएगा? थ्री पे, और डबल किस पे आएगा? वन पे, हाँ या ना? अब फर्दर कुछ है क्या पॉसिबल? डबल सिंगल सिंगल है तो फर्दर कॉन्जुगेशन पॉसिबल फिलहाल नहीं है। आया समझ में? आज हमने दो केसेस देखे, डबल सिंगल पॉजिटिव एंड डबल सिंगल नेगेटिव। नेक्स्ट क्लास में चार केसेस देख के उसको वाइंड अप करेंगे। किसको? कॉन्जुगेशन। समझ आ रहा है? बाकी जीओसी चलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास आएंगे, पढ़ के आइएगा। क्या करके आएंगे? ठीक।